आज मैं आपके लिए मुगले पराठा की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं और मेरे वीडियो को कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए अब हम सबसे पहले इसमें किन सामानों की आवश्यकता है वो बता देती हूँ। इसमें मुझे सबसे पहले हम आटा लेंगे एक बाउल, आधा बाउल मैंने पनीर लिया है, एक बाउल कटे हुए प्याज है, एक बारीक कटा हुआ गाजर है, एक बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च है। इसमें कुछ सूखे मसालों की आवश्यकता है हमें। ये धनिया जीरा का मिक्स पाउडर है, ये थोड़े से गरम मसाले हैं, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, थोड़ी सी कटी हुई मिर्च है और ऑयल है, यहाँ हल्दी और नमक है। तो चलिए अब हम सबसे पहले आटा लगा लेते हैं। इसे हम एक बड़े से बर्तन में डाल लेते हैं। इसमें 1 टीस्पून हम नमक डाल लेते हैं और 1 टीस्पून के करीब हम ऑयल डाल देंगे। इन सभी को अच्छे से मिला के इसका हम आटा लगा लेते हैं। इसका आटा हमें रोटी की आटे की तरह ही लगाना है, ज़्यादा ना ज़्यादा कड़ा ना ज़्यादा नरम, नॉर्मल आटा हमें इसका तैयार करना है। तो चलिए इसमें पानी डाल लेते हैं और इसका एक नरम आटा तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, मैंने आटा गूंथ लिया है। अब इसमें थोड़े से तेल लगा के हम इसे साइड करके करीबन 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मुगलई पराठा की मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने गैस ऑन कर लिया है, इसमें एक कढ़ाई डालेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम इसमें 2 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसमें हमारे कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याज को थोड़ा भून लेंगे, इसे हमें एकदम लाल नहीं करना है, हल्का भूनना है। हल्का भून लेने के बाद चलिए हम इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट है उसे डाल देते हैं। इसी में अब हम हमारे चॉप्ड मिर्च है, हरी मिर्च है, इसे भी डाल देते हैं। थोड़ी देर चलाने के बाद ये हल्का गुलाबी हो जाएगा, तब हम इसमें और सामग्री डालेंगे। देखिए ये थोड़ा हमारा गुलाबी होने लगा है, बस एक मिनट और इसे भून लेते हैं। फिर हम इसमें कटे हुए शिमला मिर्च डालेंगे। तो चलिए अब हम इसमें अपने कटे हुए शिमला मिर्च डाल देते हैं। इसी में अब हम अपने ग्रेटेड गाजर डाल देंगे जो एक बाउल है। इन सभी को हम अच्छे से मिला करके करीबन 2 से 3 मिनट तक तेज आंच में ही पका लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा दो तीन मिनट के बाद ये मसाला हल्का सा गला गला लग रहा है। अब हम इसमें अपने सूखे हुए मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया और जीरा का मिक्स पाउडर है वो डाल देंगे, 1 टीस्पून आमचूर का पाउडर है उसे डाल दूंगी। इसमें हम थोड़े से गरम मसाले करीबन 1/2 टीस्पून
और हाफ टी स्पून ही के करीब नमक डालूंगी, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। इन सभी ड्राई मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम अपने पनीर को मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें पनीर मिला लिया है, डाल लिया है, अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से मिला लें। करीबन 2 मिनट और पकाने के बाद मैं इसे निकाल दूंगी और फिर हम मुगलई पराठा बनाएंगे। तो लीजिए फ्रेंड, 2 से 3 मिनट पनीर को सूखे मसालों के साथ भूनने के बाद ये मसाला एकदम तैयार हो गया है। इसे अब हम गैस बंद कर देते हैं और साइड करके ठंडा होने देते हैं, फिर हम अपने पराठे तैयार करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम रोटियां बनाना शुरू करते हैं मुगलई पराठा की। ये आटा 1-2 बार और हम अच्छे से इसे मिला लेते हैं। उसके बाद एक बड़ी सी लोई लेंगे और इसकी एक बड़ी रोटी तैयार करेंगे। रोटी बनाने के लिए हमें सूखे आटे की भी आवश्यकता होगी, तो सूखे आटे की सहायता से हम रोटी तैयार कर लेते हैं। ये रोटी थोड़ी सी बड़ी बनानी पड़ती है क्योंकि पनीर का जो मसाला हमने तैयार किया है उसे हमें इसके बीच में रखना है और फिर पराठे को हमें सेक लेना है। तो देखिए, मैंने एक बड़ी सी रोटी तैयार कर ली है। अब इसके बीच में हम ये मसाला जो मैंने पनीर का तैयार करके रखा है उसे करीबन 2 चम्मच डाल के फैला देंगे और फिर इसे हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। तो देखिए फ्रेंड, ये मेरा रोटी तैयार है। अब चलिए हम इसे सेक लेते हैं। तो चलिए, मैंने तवा पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, इसमें अपने पराठे रख लेते हैं और इसे घी की सहायता से हम सेक लेंगे। 2 मिनट एक तरफ इसे पकने देते हैं, फिर इसे पलटी करके हम इसमें अच्छे से घी लगाएंगे। दूसरी तरफ से भी इसे पलट लेंगे और घी लगा देंगे। इसे दोनों तरफ से अच्छे से पका लेना है, सुनहरा लाल कलर का कर लेना है हमें। दो मिनट इसे अच्छे से हमें सीख लेना है, ये अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए। फ्रेंड्स, ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगता है और बच्चों को तो ये काफ़ी पसंद आता है। तो अगर आपको लगे कि इसे हमें अपने बच्चे के टिफ़िन में डालना है तो आप रात में ही मसाला तैयार कर लीजिए और मॉर्निंग में बच्चों के स्कूल के टिफ़िन में आप इसे बना के दे सकते हैं। बच्चे इसे बहुत ही चाव से खाते हैं। तो देखिए, मेरा ये पराठा एकदम तैयार हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे बीच से कट कर लिया है और सॉस के साथ सर्व किया है। आप इसे
हरी धनिया की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये खाने में काफ़ी टेस्टी है। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आने वाले मेरे नए वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।